हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका GTA 5 के एक और नए एपिसोड में। ये वीडियो देख रहे हो आप गेमिंग तक यूट्यूब चैनल पे। तो इस चैनल पे मैं हफ्ते की तीन वीडियोस डालता हूँ GTA 5 की, दो का भी एक, तो सब्सक्राइब मार लो इस चैनल को। और काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे BMW i8 की, और भाई सीरियसली बताऊँ मतलब कि मुझे दिखने में ये एक नंबर की क्लासिक गाड़ी लग रही है, लेकिन अभी ये यहाँ पर प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट में बिकने के लिए नहीं आई हुई है। ये किसी ने ऑर्डर करी थी, उसको ही 3 महीने बाद मिली है गाड़ी। और देखो ना यार क्या क्लासी है। मेरे को कलर ये वाला इतना खास पसंद नहीं आया, आप बताना कलर आपको पसंद आया कि नहीं। तो आज मैंने इनसे टेस्ट ड्राइव के लिए मांगा है कि मैं भी बुक करवा दूंगा, 2-3 महीने बाद हो सकता है मुझे भी मिल जाए। भाई देखो तो मतलब लग क्या रही है यार, गज़ब की। ओए होए होए होए, इसकी लाइट्स तो आगे की और मस्त है, और बैक भी ख़तरनाक है। इंटीरियर भी देख लेते हैं एक बार। कलर ये वाला खास नहीं लग रहा, आप बताना कौन सा कलर लेना चाहिए अगर मैं लूँ तो, नीचे कमेंट सेक्शन में। इंटीरियर देख लो भाई, ओह होए, परफेक्ट इंटीरियर है भाई सब। ये देखो स्क्रीन भी लग रही है यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी। 2 सीटर है ये, पर ठीक है यार, स्पोर्ट्स कार ऐसी होती है 2 सीटर ही। और सबसे अच्छी मेन चीज़ दिखाता हूँ, पहले मैं बैक करूं, साउंड तो सुनाऊंगा थोड़ी देर में। ये देखो भाई साहब, डोर इसके भी लैम्बोर्गिनी की तरह ऊपर की तरफ खुलते हैं, और बैक में देखो कितना मस्त ग्लास का पैनल लगा हुआ है पूरा। तो इसके मेरे को डोर सबसे खास लगे, बाकी इंटीरियर देखो ना, सीट्स वीट्स कितनी क्लासी गाड़ी है भाई। तो चलो भैया बंद कर दिया, अब मैं इसकी आपको साउंड सुना दूँ एक बार। साउंड तो सही है, प्यारी है साउंड। तो चलो इसको टेस्ट ड्राइव पे लेकर चलते हैं। ओहो भाई गजब की पावर है इस गाड़ी में तो। ए ए ए कौन सी रोड पे ले जाऊँ, इसी पे चलते हैं ना। ओ भाई बहुत तेज चल रही है गाड़ी, पिकअप पकड़ रही है बड़ी तगड़ी। शिट शिट शिट, तो इसको ऐसा करते हैं थोड़ा गांव वाले एरिया में ले जाते हैं, देखते हैं वहाँ कैसा परफॉर्म करेगी ये गाड़ी। चलो भैया यहाँ चलेंगे। राइट मुन्ना पाजी, ठोकनी नहीं है, किसी और की गाड़ी है, अपनी होती तब भी नहीं ठोकनी थी खैर, बट ये मेरी नहीं है तो मेरे को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ठुक गई तो पैसे दे के बात नहीं बनेगी भाई, क्योंकि उसकी बेचारे की पहले इतने महीने बाद गाड़ी आई है। थोड़ा सा मुझे इसकी ऑफ रोडिंग टेस्ट करनी है, उन्होंने कहा था कि ये है तो भले ही स्पोर्ट्स गाड़ी लेकिन ऑफ रोडिंग इसमें तगड़ी हो जाएगी, मतलब अंदर बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि गड्ढों वड्डों का। तो देखते हैं कैसा टेस्ट है, मेन तो मैंने ऑफ रोडिंग के लिए इसको लेकर आया हूँ टेस्ट राइड के लिए। दिखने में तो क्लासिक गाड़ी है भाई, कंट्रोल भी एक नंबर की हो रही है। ओए होए होए होए, ब्रेक्स परफेक्ट है बिल्कुल, स्टेयरिंग बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से भी कट मारना हो छोटे भी एरिया में। ये देखो भाई, देख रहे हो कितना खतरनाक कट था वो। मेरे ख्याल से तो बढ़िया गाड़ी है भाई, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा और टेस्ट करते हैं इसको मेन हाईवे पे। ब्रेक्स देखो क्या मस्त लग रही है, भाई कंट्रोल सच में खतरनाक हो रही है यार, ये तो जबरदस्त कंट्रोल हो रही है, खतरनाक भी नहीं जबरदस्त जिसे कहते हैं। और ये हमर की हिस्से फर्स्ट कॉपी खड़ी थी पीछे येलो कलर की। हट जाओ भाई साहब, 220-30 पे तो ऐसे स्मूथ कंट्रोल हो रही है, कोई गाड़ी मैंने नहीं देखी आज तक 220-30 पे इतनी खतरनाक स्मूथ कंट्रोल होती हो। बिल्कुल परफेक्ट कट ले पा रहा हूँ मैं। ओए होए होए, अच्छा हाँ ये तो बताना भूल गया मैं कि ये जो मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं नए पीसी पे अपने, जिसमें मैंने लगाया 2080 Ti। तो अभी मैं जो गेम प्ले कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 2K में, हालाँकि रिकॉर्डिंग मैं 1080p में ही कर रहा हूँ 2K में, क्योंकि मुझे नहीं लगता फ़ायदा इतना, लेकिन मैं खेल 2K मॉनिटर में रहूं 144 हर्ट्ज़ पे,
तो भाई साहब मेरे को क्या स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पे। और ग्राफिक्स बताना, मैंने ग्राफिक मोड भी नए इंस्टॉल करे हैं जो बहुत FPS खाते हैं, तो ये मेरे पुराने ग्राफिक कार्ड पे तो लग ही नहीं पाते, इसी पे लग पाते हैं खाली 2080 Ti पे। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ग्राफिक्स कैसे लग रहे हैं इस गेम के। अब मेरे को तो परफेक्ट ग्राफिक्स लग रहे हैं, बाकी भाई गाड़ी की लुक एक नंबर है। ओए होए 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 होए, क्या बात है, पावरफुल, फुल स्पीड में भगा रहा हूँ मैं इसको। देख लो भाई, टक्कर तो बिल्कुल चांस भी नहीं बन रहे, मैं इतने खूबसूरती से कट्स मार रहा हूँ इस गाड़ी से, और सच में बहुत इजीली मार पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुश्किल से मैं, मेरे को प्रोफेशनल बन गया हूँ मैं ड्राइविंग में, ऐसा कुछ नहीं है, इस गाड़ी की वजह से मैं कर पा रहा हूँ। ये देखो ब्रेकिंग देखो कितनी अच्छी है, ब्रेक लग गई झटके से, भाई मेरा दिल आ गया सच में इस गाड़ी पर। ओए होए होए होए, मुझे पता है ये व्लॉग देख के ट्रेवर और जो फ्रैंकलिन है ना, उनका भी मन करेगा ये गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करने का और ख़रीदने का, बट मैं फाइनल आज कर ही दूंगा कि मेरे को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना क्या मैं रख लूँ ये वाली गाड़ी, ये गाड़ी नहीं मतलब बुकिंग करवानी पड़ेगी मुझे, तो मेरी 2-3 महीने बाद आ ही जाएगी ये वाली गाड़ी। कलर बता देना कौन सा लूँ, क्योंकि ये तो नहीं अच्छा लग रहा। एक्चुअली मेरी ड्यूल टोन वाली गाड़ी है, ड्यूल टोन कलर वाली, तो ये है मेरे ख्याल से मेटेलिक सिल्वर एंड ब्लैक कलर मिक्सचर है ना। कट छोड़ दिया मैंने बातों के चक्कर में। लो भैया ऑफ रोडिंग करेंगे अब हम यहाँ। ओहो ओहो, क्या स्किट्स मार रहे हैं भाई। ये आ गया है पूरा खतरनाक ऑफ रोड पैच, और यहाँ पे एक चीज़ करनी है मुझे, रुको। ये क्या बात है भाई साहब, देख रहे हो मिट्टी के साथ साथ धुआं भी। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, बच गया ठुकी नहीं। क्या गाड़ी है यार, क्लासी गाड़ी, ज़्यादा टायर नहीं किसने उसके बेचारे के, वो गएगा पूरी खच्चड़ करके ले आया। ए हैंड ब्रेक, क्या बात है भाई, परफेक्ट है, मेरा दिल आ चुका है इस गाड़ी पे, बहुत तगड़ा वाला दिल आ चुका है मेरा। डन कर रहा हूँ मैं ये गाड़ी को फाइनल आज, आप बस कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या करूँ, मतलब फाइनल कर दूँ, क्योंकि मेरा तो सच में बहुत मन कर रहा है, जितने की भी होएगी देखा जाएगा भाई। लेकिन सच्ची बताऊँ, आज तक की ये मैंने जितनी गाड़ियाँ चलाई है ना लॉस सैंटोस में या दूसरे शहरों में, मेरी आज तक की परफेक्ट गाड़ी लग रही है मुझे। ब्रेकिंग, कंट्रोलिंग, लुक्स, सब में इसको 10 out of 10 मिलेंगे भाई साहब। इंटीरियर्स भी देखो क्या गजब के हैं। सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे इसकी कंट्रोलिंग, पावरफुल गाड़ी तो है ही, 200-220 तक तो आराम से भाग ही लेती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे अच्छी चीज़ है 200-220 पे भागने के बावजूद भी आराम से कंट्रोल हो जाती है, तो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे इस गाड़ी की वही लगी है, इसकी कंट्रोलिंग। तो पहले मैं मार्क लगा लूँ, चलो भैया। अब देखो 5.75 माइल्स है, देखते कितने सेकंड्स में मैं क्लियर कर पाता हूँ, मतलब मिनट्स में, सेकंड्स कह रहा हूँ, और ये डिपेंड करता है ट्रैफिक पे, क्योंकि ट्रैफिक में ही मैं कंट्रोलिंग करके दिखाऊंगा ना आपको, अगर खाली रोड है तो फिर कंट्रोलिंग करने का मतलब ही नहीं है। देखो भाई परफेक्ट कंट्रोल हो रही है भाई साहब, गजब यार गजब। वो गाड़ियों की पासिंग की आवाज़ कितनी तगड़ी आ रही है, खचर 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 खचर। अरे 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 अरे, रिस्क है ये, दूसरी रोड पे मुझे ज़्यादा नहीं भगाना चाहिए। हट जाओ, BMW i8 आ रही है बच्चो, ऐसी कोई चोमू वोमू गाड़ी नहीं है ये तुम्हारी, खचड़ो जैसी। और अभी तो मैं इसके इंजन को ट्यून करवा सकता हूँ, 300 तक तो आराम से जा सकती है इसकी स्पीड, 240 तक भगा रहा हूँ ना जो मैं, आराम से 300 तक पहुँच जाएगी। क्या बात है, ओ ओ ओ ओ, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, बच गए, ठोकी नहीं किसी को, मतलब ब्रेक्स भी इनकी बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे लग रही है। चलो 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 चलो, 3 miles रह गया भाई, 3 miles हमें, लगभग 2.5 से भी ज़्यादा miles हमने कवर कर लिया इतनी देर में।
इन वाले एरियाज में ना दिक्कत आती है क्योंकि कट भी आ जाते हैं, ऊपर से ट्रैफिक भी आ जाता है। लेकिन परफेक्टली बिल्कुल टर्न ले रही है ये, बच गए। बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं, आपको सजेस्ट नहीं करूँगा आप करो बिल्कुल भी। पहले ही किसी और की गाड़ी है पता चले और काम मुझे। क्या बात है, मनाली मनाली कवाली कवाली वो दिख। अरे 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 अरे, ओनली 1.34 माइल्स। क्या बात है भाई, खतरनाक भगाई है मैंने तो। 6 माइल था लगभग, 5.7 कुछ था ना, और बिल्कुल कम टाइम में कर दिया कवर। मैं तो भैया बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस गाड़ी की परफॉर्मेंस से, मज़ा सा आ गया चलाने में इसको। मतलब मुश्किल तो लगी नहीं रही है गाड़ी बिल्कुल भी। ओह डर गया, हट जा हट जा, बेचारे को डरा दिया। पर मैं तो भैया ब्रेक्स पता ही है मुझे टाइम पे लग जाएगी, गाड़ी मस्त है क्योंकि। चलो भाई वापस आ गए हम प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट पे, तो काफ़ी जल्दी कवर कर लिया मैंने रास्ता। तो चलो भैया फिर नीचे बता देना कमेंट सेक्शन में ले लूँ क्या ये गाड़ी, मेरे को तो मस्त लग रही है और आज तक की परफेक्ट गाड़ी है जितनी भी मैंने ड्राइव करी है। और यही फ्रैंकलिन और ट्रेवर का भी मेरे ख्याल से डिसीजन होगा कि उन्होंने भी ऐसी गाड़ी कभी नहीं चलाई होगी। तो चलो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बाकी कमेंट सेक्शन में बताऊँ लूँ तो कौन सा कलर लूँ इसका, और सब्सक्राइब तो करना ही है ये वाला चैनल भी मेरा भी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की और एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।